हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट 2022 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। अगर तुम नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ये वीडियो तुमको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स, कौन सा बुक्स तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी टू कवर होल सिलेबस, लाइक पूरे 11th एंड 12th के जो जितने भी सिलेबस हैं उन सबको कवर करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा जिससे तुम टाइम पे अपना सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, तुम कहाँ से कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट होगा और तुम कहाँ से उस टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो कौन सा कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन कौन सा कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, इवन यूट्यूब चैनल कौन सा बेस्ट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर जो हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है, हाउ मच आवर टू स्टडी। सो इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देखना, इस वीडियो में हम लोग सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में बात करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बुक्स के बारे में, ओके। सो जो बुक्स है फिजिक्स, तो फिजिक्स में तुम्हें क्या बुक्स को फॉलो करना है, तो तुम्हें सबसे पहले टीचर के नोट्स, कोई भी टीचर्स, अगर तुम फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो तुम टीचर से ही पढ़ रहे होगे, तो जिस भी टीचर से तुमने फिजिक्स पढ़ा है या फिर पढ़ना चाहते हो उस टीचर के नोट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। उसके बाद से मॉड्यूल, अगर तुम्हारे पास टीचर का नोट्स नहीं है, लाइक कि तुमने टीचर्स तुम्हारे पास टीचर का मॉड्यूल नहीं, नोट्स नहीं है, देन तुम जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक आकाश, एलन, कहीं से भी कोई भी प्रॉपर एक टीचर का तुम मॉड्यूल ले लो, कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ करना है। अगर तुम्हारे पास टीचर्स का नोट्स है तो दिन मॉड्यूल का कोई उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, तो अगर फिजिक्स में तुम्हारे पास एनसीईआरटी बस थियोरेटिकल चैप्टर्स के लिए, क्योंकि लाइक सारे चैप्टर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत इनफ टाइम है देन तुम पढ़ सकते हो, लेकिन थियोरेटिकल चैप्टर्स की करना बहुत ज़रूरी है, लाइक जैसे कि तुम सेमीकंडक्टर का पढ़ सकते हो, तुम ये हीट वेव ये सब का पढ़ सकते हो, सो ये सब चीज़ थियोरेटिकल चैप्टर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर बात है एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए तुम्हें जो फिजिक्स में बुक यूज करना है वो है नीट पीवाईक्यू 33 ईयर का जो आता है, नीट पीवाईक्यू का वो कर लेना, और डीसी पांडे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम से मस्ट है, ये PYQ तो करना ही है, फिर DC पांडे भी DC पांडे करना है, ओके। एक्स्ट्रा में तुम्हें MCQ के लिए DC पांडे सॉल्व करना है। लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सो केमिस्ट्री में सबसे पहले नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जहाँ से भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, देन तुम उसके बाद से मॉड्यूल, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है देन तुम मॉड्यूल उसके जगह पे रख सकते हो, लाइक जैसे मैं फिजिक्स में बताया था कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो भी नोट्स के तरह ही होता है, दो इस दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, मॉड्यूल और नोट्स में से। उसके बाद से एनसीईआरटी, अब फिजिक्स का एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स, ग्राफ्स ये सब देखने के लिए था, बट एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए, लाइक ऑर्गेनिक में तुम्हें, और तुम्हारे पास अगर टाइम हो ऑर्गेनिक का तो सारा चैप्टर पढ़ो, एक एक चैप्टर तुम एनसीईआरटी से पढ़ो, जितने भी रिएक्शंस हैं रिएक्शन वाले सारे चैप्टर पढ़ो, उसके बाद से पॉलीमर, बायोमोलिकल्स ये सब आगे मैं बता रहा हूँ, ये सबको करना है इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन तुमको एनसीईआरटी का पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है, उसको तुम एनसीईआरटी से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कि एमसीक्यू का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एक बेस्ट बुक है, एमटीजी का पब्लिकेशन का है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, तुम उसका यूज कर सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम्हें करना ही है, सो ये चीज़ रहेगा। और बायोलॉजी में बात करते हैं, सो और अगर एक चीज़ और छूट गया, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत अगर इनफ टाइम है, देन तुम एनसीईआरटी के जो बैक के क्वेश्चन होते हैं और बुक के बीच में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, बुक के बीच का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम होगा देन बैक का क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में कौन सा बुक्स को फॉलो करना है, सो एनसीईआरटी सबको पता है, बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए तुम्हें एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करना है, एंड तुम टीचर से पढ़ रहे हो देन उनका नोट्स उनको बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, या तुमको बस मेमोरी मेमोराइजेशन के लिए तुम्हें बस और बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और फिर एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करोगे, तो एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों में एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस 10 साल का। यहाँ जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स में हमें सॉल्व करना है 30 ईयर का, बट इसमें है सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर का। सो तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिजिक्स में तुम्हें एमसीक्यू डीसी पांडे से बनाना है, केमिस्ट्री में फिंगर टिप्स को करना है और बायोलॉजी में भी फिंगर टिप्स को करना है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से तुम इस सारी बुक्स को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। लाइक मैंने बोला था कि स्ट्रैटेजी क्या होगी ये ह्यूज सिलेबस को कवर करने के लिए। सो हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा, लाइक अगर तुम ये प्रिपरेशन, जैसे मैं आज ये वीडियो अगर बना रहा हूँ तो नवंबर से अगर तुम जून तक का टाइम लेते हो, लाइक तुम अगर नवंबर से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, लाइक अगर टू डे अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो और आज से तुमने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नवंबर टू जून तक हमारे पास टाइम कितना, 8 मंथ, 8 मंथ का टाइम हमारे पास इस मिल रहा है। और एक जो अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद तुम 6 मंथ में सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो, 11th एंड 12th, इससे कम टाइम में ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। अगर तुमने आज से तुम स्टार्ट कर रहे हो एंड तुम बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली बहुत पढ़ते हो, देन तुम 6 मंथ, ये बहुत कम है क्योंकि 2 ईयर का सिलेबस है, इसको 6 मंथ में ही कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, सो आप बात करते हैं कि ठीक है तुम प्रिपेयर करना आज से स्टार्ट कर रहे हो, देन मैं पूरा प्लान बताऊंगा कि तुम किस कितना दिन किस चैप्टर को दोगे किस। इसलिए इस वीडियो को तो लास्ट तक देखो। लाइक फिजिक्स, फिजिक्स में मैकेनिक्स को तुम्हें 50 डेज देना है। ओके, 50 डेज, मैं 8 मंथ का है तुम्हारे पास टाइम है क्योंकि जून तक तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो जून नवंबर से जून तक हमारे पास है 8 मंथ। ओके, अब 8 मंथ में भी मैं 6 मंथ का ही स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूँ। लाइक 2 मंथ तुम्हारे अगर बोर्ड के एग्जाम आते हैं, लाइक तुम प्रेशर हो तो, या फिर कोई भी डिस्टर्बेंसेस लाइक वैकेशन हॉलीडेज आती रहती है, सो 6 मंथ का ही तुम प्लान बनाओ ताकि तुम 8 मंथ में तो कवर कर ही दो। सो मैकेनिक्स को तुमको 50 दिन देना है। इस सब का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम पेन पेपर पर नोट कर सकते हो। ये बहुत सोच समझ के मैं बनाया हूँ। लाइक मैकेनिक्स को तुम 50 दिन दो, उसके बाद से वेव्स को 15 डेज लो। इसी वेव के अंदर SHM, ड्रॉप, साउंड वेव वगैरह सब वेव्स में ही आ जाएगा। फिर हीट का वाला जितना भी 11th का चैप्टर है उसका 15 दिन देना है। फिर अदर चैप्टर लाइक तुम्हारे जो भी है ये फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब तुम्हारे इसमें आ जाएगा 10 डेज वाले में, ग्रेविटेशन वगैरह छोटा छोटा चैप्टर। सो मैकेनिक्स को कितना दिन देना है, 50 दिन। आई टोटल अगर तुम करोगे, सो अगर इस टोटल हम लोग करें 11th के जितने भी चैप्टर, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 30, 40 एंड 50, ये 90 डेज ऑलमोस्ट हो जाएगा। ओके, सो 90 डेज है, 3 मंथ तुम्हारा इधर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 12th के चैप्टर को फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर को तुम्हें 1 मंथ देना है। ओके, 1 मंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी करंट एंड ईएमआई को तुम्हें 1 मंथ देना है, एंड देन जो बच गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 1 मंथ देना। अब बात यहाँ पे करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स है, सो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। लाइक मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं बताऊंगा, तो ये वाला सेक्शन बहुत आसान है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से तुम्हारा जो है ये लाइक तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स कर सकते हो, ये बहुत आसान चैप्टर है, मैं बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स किए बिना तुम इलेक्ट्रोस्टैट ये सब नहीं कर सकते हो, सो मैकेनिक्स कर लेना, एंड डॉपलर्स इफेक्ट्स वेव्स में, डॉपलर्स इफेक्ट एंड हीट में, तुम्हारा हीट का भी कुछ कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला तुम्हें, आजकल पेपर्स ऐसा बन रहा है कि सारे क्वेश्चन से जितने भी सेगमेंट है हर सेगमेंट से वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट का ज़्यादा मतलब तो बनता नहीं है, बट लाइक मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। सो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है फिजिक्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री का क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। और केमिस्ट्री में ये जो पूरा दिख रहा है तुम इसका एक प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, सो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो केमिस्ट्री में तुम स्टार्ट करो और जिस सीक्वेंस में बताया हूँ कि सारे चैप्टर को पढ़ने को, अगर इस सीक्वेंस में तुम अगर ये सारे चैप्टर को तुम पढ़ते हो, देन बहुत अच्छे से तुम पूरा केमिस्ट्री को इंटीग्रेट कर पाओगे। लाइक बहुत बच्चे होते हैं पूरा फिजिकल खत्म करते हैं, फिर इनऑर्गेनिक आते हैं, फिर ऑर्गेनिक करते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो चैप्टर के बीच में जो लिंकेज होता है उसको कर नहीं पाते। सो ये बहुत अच्छा सिक्वेंस मैं बनाया हूँ, इसको फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल तुम्हें करना है। अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ो, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो एंड इस ब्लॉक पढ़ो। ये 3 चैप्टर सबसे पहले पढ़ो, लाइक ये बेस बनाता है केमिस्ट्री का। तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो एंड इस ब्लॉक पढ़ो, और ये तीनों चीज़ को पढ़ने के लिए तुमको 25 दिन देना है, 25 डेज।
और अगर इम्पॉर्टेंट का बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। सो इम्पॉर्टेंट भी हो गया, 25 डेज तुम्हें देना है। उसके बाद से अगर तुम ये चीज़ से तीन सेगमेंट कर ले रहे हो, देन तुमको मूव करना है मोल कॉन्सेप्ट पे। ओके, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैस के स्टेट, ये तीन चैप्टर तुम फिजिकल केमिस्ट्री का करो और ये 10 दिन में करो। ओके, ये 10 डेज में तुम्हें करना है। सो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैस के स्टेट के बाद तुम ऑर्गेनिक पे मूव करो। लाइक यहाँ पे इनऑर्गेनिक था, ये हमारा क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री IC, दिस इज PC फिजिकल केमिस्ट्री, एंड यहाँ पे क्या है OC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको 25 दिन में करना है। इसमें क्या क्या करना है, IUPAC का नॉमिनक्लेचर, IUPAC नॉमिनक्लेचर, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही अंदर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये टॉपिक्स है, हाइपर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिक्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जो भी GOC का टॉपिक आता है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, IUPAC नॉमिनक्लेचर पढ़ो। सो ये सबसे पहले क्या करना है, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल, एंड फिर ऑर्गेनिक पे आना। ओके, अब फिर से तुम्हें इनऑर्गेनिक पे मूव करना है। ये 25 डेज हो गया, अब ये 20 डेज का टाइम मिला तुम्हें, ठीक है। पी ब्लॉक करो, इसमें डी ब्लॉक करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करो, और मेटलर्जी। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ कि पूरा इनऑर्गेनिक तुमने खत्म कर लिया। सो सबसे पहले ये इतना चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ना है, फिजिकल ऑर्गेनिक, एंड देन फिर से ये सारा चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ना, इनऑर्गेनिक का करना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड मेटलर्जी। अब बात करते हैं इतना करने के बाद तुम मूव करो किस पे, ये 20 डेज के अंदर करना है तुम्हें, 20 डेज के लिए मिला। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, जितना चैप्टर मैं बता रहा हूँ सबको पेपर पे नोट कर लो, और जितना टाइम मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ये बना रहा हूँ मैं, इतना तुम फिजिकल केमिस्ट्री का कवर करो। और उसके बाद सिर्फ इतना अगर तुम कर ले रहे हो, देन तुम 12th क्लास और 11th क्लास का जो रिएक्शन वाला चैप्टर है, और रिएक्शन वाला चैप्टर कौन कौन है यहाँ पे स्पेस नहीं है वरना मैं लिख देता, हाइड्रोकार्बन फ्रॉम 11th क्लास, अल्कोहल, ईथर, अमाइंस एंड एल्डिहाइड, कीटोन, वो सारा रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें करना है। इसके लिए तुम्हें 50 दिन मिल रहे हैं, 50 डेज। ओके, आप 12th क्लास का चैप्टर्स और हाइड्रोकार्बन जो 11th क्लास का है, फिर इतना तुम कर ले रहे हो, देन जो रेस्ट चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का बच गया, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, इसके लिए तुम्हें 10 डेज देने हैं। अब तुम्हारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, एंड लाइक अब तुम्हारे पास क्या बचा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, बहुत आसान चैप्टर जो याद करना, इसलिए मैं सबको सब देखो इसको सबसे लास्ट में रखा हूँ ताकि तुम याद करो तो भूलो नहीं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके लिए तुम्हारे पास कितना डेज है, 10 डेज है। 10 डेज में तुम पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस सारे चैप्टर को NCERT से करना। ओके, NCERT से करना है। अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आसान है, ये वाला जो सेगमेंट है बहुत आसान है, इसलिए ये तुम्हें करना है। ओके, उसके बाद से इधर से अगर बात करें तो GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सर्वर आता है, मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन का पॉइंट, मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म तो पढ़ना ही पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन आता। सो ये सारा चीज़ें तो करना पड़ेगा तुम्हें। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए क्या अप्रोच रहेगा, हमारा बेस्ट अप्रोच बायोलॉजी के लिए क्या है। ओके, सो बायोलॉजी में 11th क्लास में से 22 चैप्टर है एंड 12th क्लास से 16 चैप्टर है, टोटल हमारे पास कितना चैप्टर है, 38 चैप्टर। ओके, 38 चैप्टर है। अब 6 मंथ, मैं 6 मंथ का प्लान, लेट हमारे पास 8 मंथ है, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा ये वीडियो को ये देख रहा हो जनवरी में देख रहा हो, देन उसके पास 6 मंथ ही टाइम बचेगा। सो मैं सारे पॉसिबिलिटीज को करके वीडियो बना रहा हूँ कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखे तो उसे इस वीडियो से फ़ायदा मिले और एक वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को वो कर सके। सो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज़ अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो चलो वीडियो को फिर बैक आते हैं। सो सिक्स मंथ का स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो 6 × 4 मैं मान के चल रहा हूँ कि एक वीक में 4 वीक होते हैं। ओके, सो 28 वीक हमारे पास है। एंड अगर देखें, अगर पर वीक, ओके यहाँ पे तुम अटेंशन चाहिए, अगर तुम पर वीक 2 चैप्टर को कवर कर ले रहे हो, दो चैप्टर अगर तुम पर वीक कर रहे हो, अगर पर वीक तुम 2 चैप्टर कर रहे हो, देन नंबर ऑफ वीक तुम्हारे पास कितना, 38 चैप्टर है, और एक वीक में मैं बोल रहा हूँ 2, तो अगर तुम यूनिटरी मेथड यूज करते हो देन तुमको कितना वीक चाहिए, 19 वीक चाहिए पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। 19 वीक, यू नीड 19 वीक्स टू कवर होल बायोलॉजी। ओके, एंड हमारे पास वीक कितना है, 28 वीक, सो 28 - 19 हमारे पास बच कितना गया, 9 वीक। ये जो नाइन वीक है इसको हम लोग कहेंगे रिवीजन के लिए, ये रिवीजन के लिए 9 वीक है और सफिशियंट है, तुम फिर से बायोलॉजी को पढ़ सकते हो। सो मैंने एक प्लान बनाया कि 6 मंथ में तुम 11th और 12th बायोलॉजी को 2 बार कैसे पढ़ सकते हो, और भी टाइम तुम्हें रिवीजन के लिए मिलेंगे, लाइक जून तक का ये प्लान है, जून में एग्जाम नहीं होने वाला। और अगर ये एग्जाम का डेट क्या है, इसकी
जो एक प्रिडिक्शन है कि 2022 कब होगा, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाया था। सो इसी हिसाब से तुम अपना जो प्रिपरेशन उसको प्लान कर सकते हो। सो उसका आई बटन पे आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सो उस वीडियो को देख लेना, फिर डेट कब हो सकते हैं। आप फोर्थ टॉपिक पे, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग, ओके। सो इसके बीच में कंपैरिजन, लाइक अगर तुम्हारे पास ऑफलाइन कोचिंग का सोर्स है एंड तुम ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्शन भी होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है, ओके। सो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है देन तुम इस ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करो। अगर ऑप्शन है तब, लाइक तुम ऑप्शन है, तुम कोई अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो ऑफलाइन कोचिंग में, देन ये ऑफलाइन कोचिंग इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें तुम कंसिस्टेंट रहते हो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग बेकार है या फिर वहाँ पे टीचर्स नहीं पढ़ाते, बट एक तुमको ड्राइविंग फोर्स होता है ना वो अच्छी मिलती है तुमको ऑफलाइन कोचिंग में। सो ऑफलाइन कोचिंग का पॉसिबिलिटी है, देन तुम ऑफलाइन कोचिंग को प्रीफर करो। बट वैसे बच्चे जिनके पास ऑफलाइन कोचिंग का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, देन ऑनलाइन कोचिंग, ओके। सो अब ऑनलाइन कोचिंग में बात करते हैं। फिजिक्स वाला क्या एक यकीन बैच चल रहा है, सो फिजिक्स वाला को तुम ज्वाइन कर सकते हो। बायोमेंटर्स, ये कम पैसे वाले के लिए है, फिजिक्स वाला एंड बायोमेंटर्स। बायोमेंटर्स कमांडो, बायोमेंटर्स जो गिदेंद्र सर है वो भी प्रिपरेशन करवाते हो, काफ़ी अच्छा होता है। बायोमेंटर्स का कमांडो बन सकते हो, फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है, बट अन अकेडमी के भी अलग अलग टीचर्स का तुम बहुत सारा कोर्स चलते हैं, सो अन अकेडमी से तुम कर सकते हो। फिर एलेना कास वाले भी ऑनलाइन करवाते हैं, लेकिन इनका फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये क्योंकि ये कोचिंग है, कमर्शियल कोचिंग है, ये इनका फी ज़्यादा होता है, ओके। सो तुम इन लोगों से ये चार प्लेटफॉर्म को तुम यूज़ कर सकते हो। और भी अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे देन मैं ये चार ऑप्शन दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पे जा सकते हो। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टेस्ट सीरीज को लेकर, ओके। वीडियो लंबा हो जाएगा बट ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो प्लीज़ इसको शेयर करो जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है। और ये वीडियो अगर तुम अभी कभी कमेंट करो कि इस वीडियो में मैं जितना भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सबको तुम फॉलो करेंगे, अगर तुम सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिए जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, देन तुम्हारा सिलेक्शन, श्योर सिलेक्शन तुम्हारा नीट 2022 में होने वाला है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, ओके। सो टेस्ट सीरीज का अगर बात मैं करूँ तो अगर तुम फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो देन NTA ऐप इज़ द बेस्ट। अगर तुम फ्री में टेस्ट देना चाहते हो और बहुत सारे टेस्ट तुमको फुल सिलेबस के NTA ऐप में मिल जाएंगे। अगर तुम ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो फ्री में, देन तुम पेपर प्रिंट आउट करवा सकते हो। उस मैंने बहुत सारे पेपर्स अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का मिल जाएगा जिसमें टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा हूँ और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसका वीडियो तुमको आई बटन पे आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्रिंट आउट करा सकते हो पेपर को, प्रिंट आउट पेपर मिल जाएंगे। अब बात है कि अगर तुम टेस्ट अच्छे से देना चाहते हो प्रॉपर, ताकि तुमको एक रैंक मिले और एक, तो तुम एलेन का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एलेन का टेस्ट दो तरह का होता है, एक मेजर टेस्ट होता है एंड एक फुल जो अभी से स्टार्ट हो गया होगा, आई थिंक उससे पहले ही स्टार्ट हो गया होगा। सो तुम एलेन के साइट पर जाकर एलेन का टेस्ट या फिर आकाश या फिर कोई भी लोकल कोचिंग तुम पढ़ रहे हो तो वहाँ से देख सकते हो। ये तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया फ्री और या फिर तुम ये सब चीज़ नहीं, लेकिन अगर तुम कोई भी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल हो, देन तुमको ऑलरेडी वो लोग टेस्ट प्रॉपर कराते रहते हैं वीकली टेस्ट एंड वो, तो तुम्हें ये सब टेस्ट देने का कोई उतना नीड नहीं है। सो ये हो गया हमारा टेस्ट सीरीज के बारे में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। अब यूट्यूब चैनल्स एंड कोई भी नीट से, कौन से यूट्यूब चैनल तुम्हें फॉलो करना चाहिए नीट के प्रिपरेशन के टाइम, ओके। सो अगर तुमको कोई भी नीट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी एंड छोटा मोटा ट्रिक्स एंड नोटिफिकेशन चाहिए देन तुम मेरा चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड भी, लेकिन अगर तुम्हें पूरा फुल कंटेंट पढ़ना है देन तुम बायोलॉजी के लिए बायोमेंटर्स, केमिस्ट्री के लिए अरविंद अरोरा, फिजिक्स वाला भी बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा था, केमिस्ट्री या मैंने केमिस्ट्री बहुत सारे चैप्टर से पढ़े। अन अकेडमी फिजिक्स के लिए तुम अन अकेडमी को कर सकते हो, फिजिक्स वाला को इनका कर ही सकते हो। अब जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना आवर पढ़ना है, आवर्स टू स्टडी डेली, जो कि बहुत बच्चे पूछते हैं, ओके। सो अगर 8 hours to 10 hours अगर तुमको 6 months में, अगर तुमको 6 months में ना अपना सिलेबस कवर करना है, देन तुमको 8 hours to 10 hours पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। मैं 14, ये पॉसिबल भी है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का मैं एक स्ट्रैटेजी सिंपल सी बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें 2 साल का पूरा सिलेबस उसको मैं बोल रहा हूँ कि 6 months में कवर करना है तुम्हें, तो ये आसान नहीं है। मैकेनिक्स को 50 दिन में कवर करना, बेस को 15 दिन में कवर करना, सो तुम कैसे 10 घंटा पढ़ सकते हो दिन भर में अगर तुम स्ट्रिक्ट को फॉलो करते हो। तुम सुबह उठते ही मॉर्निंग में 2.5 घंटा पढ़ लिया करो, 2.5 आवर का बनाओ शिफ्ट कि 2.5 आवर सुबह में पढ़ना, फिर ब्रेक लो, कुछ यूट्यूब पे देखना हो जो भी करना हो करो, खाना वाना खाओ, आफ्टरनून में तुम 2.5 घंटे पढ़ो, फिर तुम शाम में आराम से 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ो एंड फिर रात में सोने से पहले 2.5 घंटा पढ़ लो। अगर ये तुम शिफ्ट में डिवाइड करोगे 2.5 आवर 2.5 आवर, देन तुम 10 घंटा बहुत इफेक्टिवली और अच्छे से पढ़ सकते हो। सो
8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि तुम 10 घंटा पढ़ पाते कि नहीं, लेकिन 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा तभी सिक्स मंथ का सिलेबस कंप्लीट। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर तुमने अभी तक ये वीडियो को देख रहा है, इतने लास्ट तक तुम इस वीडियो को देखते देखते आ गए, देन प्लीज़ एक कमेंट तो करके जाओ, एक कमेंट करके जाओ कि वीडियो कैसा लगा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब तो करो। लाइक बहुत टाइम लगता है इस वीडियो बनाने में, बहुत सारे एनालिसिस करना पड़ता है, सो प्लीज़ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कॉमेंट शेयर कर देना।